हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। वीडियो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो में हम डिज़ाइनर सूट्स की तरह शर्ट के साथ लाइनिंग सीना सिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले शर्ट और लाइनिंग को मिला लेंगे। उसके लिए हमने एक नेट की फैंसी शर्ट ली है और इसके नीचे सिल्क लाइनिंग लगेगी। ये लाइनिंग है और ये शर्ट का पीस है। दोनों को बराबर रख कर एक जैसे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। आप मेजरमेंट्स अपनी बॉडी के मुताबिक रखें। इस किस्म के कपड़े जो सिल्क या शिफॉन के होते हैं उन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक जगह टिकता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप पिंस यूज़ कर लें ताकि शर्ट और लाइनिंग कटिंग करते वक्त इधर उधर ना खिसकें और दोनों की एक जैसी कटिंग हो जाए। इस तरह से जगह जगह पिनअप कर लेंगे ताकि कटिंग बिल्कुल बराबर आए। ये शर्ट का फ्रंट है और पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरफ से नेक की कटिंग करेंगे। अगर आपने राउंड नेक बनानी है तो यहाँ से 3 इंच पर मार्क करें। क्योंकि मैं बोट शेप दूंगी इसलिए मैं यहाँ से 4 इंच और इस तरफ से भी 4 इंच पर मार्क करके अब इसकी कटिंग कर लूंगी। फ्रंट की तरह ही शर्ट और लाइनिंग मिलाकर बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग में आसानी के लिए पिंस लगा लेते हैं। लाइनिंग शर्ट से 2 या 3 इंच कम रखनी है। अगर आप चाहें तो शर्ट के बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली शर्ट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है लाइनिंग से। अब यहाँ से 4 इंच और इधर से 3 इंच पर मार्क करके गोलाई में निशान लगाकर इस तरह से काट लेंगे। अब इस बैक साइड की सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लाइनिंग की रॉन्ग साइड और शर्ट की राइट साइड को आपने मिलाना है। अब ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो शर्ट की लेंथ लाइनिंग के बराबर ही रखें या फिर लाइनिंग शर्ट से थोड़ी सी छोटी कर लें, 3 या 4 इंच या 2 इंच, जितनी भी आपकी ज़रूरत है। अब एहतियात से सिलाई बचाते हुए छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट इसलिए कि जब शर्ट पलटेंगे तो गले की गोलाई अच्छे से आएगी और सिलाई के दरमियान कोई बल नहीं आएगा। इस किनारे पर एक दफ़ा दोबारा सिलाई कर लें। आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ दें, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी और लाइनिंग या शर्ट के धागे भी नहीं निकलेंगे। अब फ्रंट तैयार करेंगे। लाइनिंग की रॉन्ग साइड और शर्ट की राइट साइड रखकर जिस तरह बैक तैयार की है बिल्कुल वैसे ही अब फ्रंट साइड भी तैयार कर लेंगे।
ये देख सकते हैं आपके कैसी परफेक्ट शेप आई है और गले की सिलाई भी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब है ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। अब इसको इस तरह पकड़ना है, खोल के ऐसे पकड़ के और ये इसमें डालनी है और ये ऐसे स्लाइड कर देनी है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी है? यही मैं बता रही हूँ। तो अच्छा हुआ ना वीडियो बना रही। मैं दोबारा ये देखो, ये बैक साइड। एक मिनट एक मिनट, चले ये बैक साइड ठीक है, ये फ्रंट साइड। इसको इसको इस तरह फोल्ड करना है और इस पे रखना है, यहाँ यहाँ रखना है इसको ठीक है, और ये इस तरह फोल्ड डाल के नहीं मुझे नहीं लगी जिसने देखी। अब ये देखो दूसरी साइड, बिल्कुल इसी तरह दूसरा शोल्डर भी तैयार कर लेंगे। नेक तैयार करने के बाद आर्म होल्स और दोनों साइड सी लेते हैं। साइड्स पहले इसलिए कि लंबा बखिया रखकर सिर्फ कच्चा करेंगे, बाद में दोबारा मेजरमेंट्स के मुताबिक सिलाई करनी है। वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लाइनिंग का दामन पहले छोड़ दिया था, अब यहाँ से आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ कर सी लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह करें, आप चाहें तो लाइनिंग की सिलाई पहले कर लें।
अब साइड्स को मिलाकर बराबर कर लें। साइड की सिलाई पहले इसीलिए लगाई थी कि बाद में फिटिंग करने में और मेजरमेंट्स लेने में आसानी हो। इसको ऐसे पकड़, ये मैंने हल्का सा लगाया था। यहाँ से 15 इंच, ये साइड का निशान, ठीक है। अच्छा, इस तरफ इस तरह निशान कर रहे थे। ये मैंने प्रिंट किया है, स्लाइड करनी है इस तरह। अच्छा, वो आर्म होल का बार बार लोग कहते हैं। आर्म होल का तो मैंने काटा तो है आज, इसका कटिंग में दिखाया है। चलो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी, एक बनाएंगे जिसमें खाली आर्म, हाँ पूरी दाम तय। अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाया करे। इसका लगाना बस। स्लीव्स भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्वार्टर, हाफ या जैसे भी आपने लाइनिंग की कटिंग करनी है आप अपनी मर्जी से कर लें, लेकिन मैंने अपने शर्ट के नीचे लाइनिंग क्वार्टर रखनी है और शर्ट के स्लीव्स फुल लेंथ में होंगे। अब ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल, और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ दें, लेकिन मैं गले के अंदर मोटिव्स में छोटे छोटे टांके लगा लूँगी ताकि गला अच्छे से फिक्स हो जाए और जो लाइनिंग है वो उसमें कोई बल ना आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आइंदा क्या सीखना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।